क्या कर रहे हो भाई साहब? वो काम जो तूने पिछले 8 साल से नहीं किया, पढ़ रहा हूं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, पढ़ रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, पढ़ क्या रहे हो? बयान पढ़ रहा हूं। एक आदमी का लगता अनपढ़ है, कह रहा है कि सरकार लोगों को जो कुछ देती है सुविधाएं वगैरह, वो मुफ्त की रेवड़ियां होती हैं। अनपढ़ कहाँ है, तो मोदी जी का बयान है। बातें तो अनपढ़ों वाली है ना। अनपढ़ों वाली है। क्या गलत कहा है मोदी जी ने, बताइए एक बार। अरे लोगों को सुविधाएं तो सारी चाहिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य है, लेकिन टैक्स देकर कोई राजी है को नहीं। बताओ कि गलत गया है? देवे इस देश में कोई टैक्स? चल, एक आदमी का नाम बता इस देश में, सिर्फ एक आदमी का नाम जो टैक्स नहीं देता। बहुत है। एक का नाम बताओ, कोई छोटे से बच्चे का नाम बता दो, किसी मरने वाले बुजुर्ग का नाम बता दो जो टैक्स नहीं देता, किसी भिखारी का नाम बता दो, किसी करोड़पति का नाम बता दो, सिर्फ एक आदमी का जो इस देश में टैक्स नहीं देता। किसी का क्यों छोड़ दो, मतलब मेरे ही ले लो, मैं कौन देंदा टैक्स? अच्छा, बाइक चलाते हो, हाँ खरीदी थी या चोरी की थी? ना, कमाल करो यार, खरीदी थी। आरसी बनवाई होगी, हाँ खरीदते हुए टैक्स नहीं दिया, आरसी बनवाते हुए टैक्स नहीं दिया, लगभग 10,000 रुपये। दिया था। गाड़ी भी है घर में, हाँ पापा ले रही है, खरीदते हुए टैक्स नहीं दिया, उसका दौर भी ज्यादा था, ले 50-60 हज़ार रुपये दिया हुआ। तो तो टैक्स नहीं है। बाइक में, गाड़ी में तेल नहीं डलवाते, कमाल है यार, 30 रुपए का डलवा तेल लेते हो, 60 रुपए टैक्स देते हो, वो टैक्स नहीं है। चलाते नहीं गाड़ी बाइक को, जब रोड पे जाते हो टोल टैक्स नहीं देते, तो वह तो फीस है। टैक्स है। सर्विस नहीं करवाते, कभी गाड़ी खराब नहीं होती, नहाते धोते नहीं, बाथरूम नहीं जाते। बाथरूम में भी 50 चीजें होंगी आपके, जिनको खरीदते हुए आपने टैक्स दिया है। मोबाइल है, खरीदा था, टैक्स दिया होगा। रिचार्ज करवाते हो, टैक्स देते हो, डेटा लेते हो, टैक्स देते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो टैक्स देते हो। पानी पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, जूते लो तो टैक्स, नमक खरीदो तो टैक्स, सुई से लेकर जहाज तक कुछ भी आप खरीदते हो तो टैक्स देना पड़ता है। और ये तो ऐसी सरकार है जिसने खेती और खाने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, और तो और किताबों के ऊपर, इलाज के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, हॉस्पिटल बेड के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। और बड़ी बेशर्मी के साथ लोग कह देते हैं टैक्स तो लोग देते ही नहीं। अरे भाई साहब, मैं तो इनकम टैक्स की बात कर रहा था। तो ये जो बाकी सारी चीजें हैं, ये जो जीएसटी है, सर्विस चार्ज है, और प्रॉपर्टी टैक्स है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये जो हजारों लाखों रुपए लोग टैक्स के रूप में देते हैं, इसको टैक्स नहीं मानते, इनको इनकम टैक्स और चाहिए। कितने लोग हैं इस देश में जो इतनी इनकम रखते हैं कि टैक्स भी दे सकें? खुद मोदी जी कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को तो वो मुफ्त में राशन देते हैं, मतलब 80 करोड़ लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जिनको अगर सरकार अनाज ना दे तो भूखे मर जाएं। ऐसे लोगों से टैक्स लोगे? मुझे किसी ऐसे देश का नाम बताओ जिस देश में कोई सरकार भारत की सरकार से ज्यादा अपने नागरिकों से टैक्स लेती हो। यार 80 करोड़ को अगर मुफ्त में राशन मिलेगा तो कहां से मिलेगा? वो इसी टैक्स में से तो मिलेगा। फिर मुफ्त, ये जो फ्री का जो कहते हो ना राशन, ये लोग टैक्स देते हैं, इनको फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। ये मुफ्त की रेवड़िया पता क्या होती है? मुफ्त में पता किसको मिलता है? 11 लाख करोड़। किसका माफ हुआ? बड़े बड़े उद्योगपतियों का। रेवड़िया नहीं, मोतीचूर के लड्डू खिलाए जाते हैं, वो होता है मुफ्त का। मुफ्त का पता है क्या होता है? एक छोटी सी लिस्ट में दिखा देता हूं तुम्हें। 1.5 लाख रुपए प्रति महीना पेंशन, पत्नी की प्रति महीने सेक्रेटेरियल सहायता के रूप में 30,000 रुपए, सचिवालय कर्मचारी और दफ्तरों के लिए 60,000 अलग से, 8 कमरों का बंगला, 2 लैंडलाइन, 1 मोबाइल, 1 इंटरनेट कनेक्शन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, गाड़ी और ड्राइवर अलग से, मुफ्त मेडिकल की सुविधा सारी जिंदगी, 5 लोगों का पर्सनल स्टाफ अलग से, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी अलग से, और एक आदमी के साथ, खुद तो है ही, एक आदमी साथ में, चाहे ट्रेन में जाए चाहे एरोप्लेन में जाए, मुफ्त किराया, मुफ्त यात्रा की सुविधा, ये सब चीजें तो पूर्व राष्ट्रपति को मिलती है। सोच के देखो,
जो मौजूदा प्रधानमंत्री होंगे, जो मौजूदा मंत्री होंगे, विधायक, सांसद, बड़े बड़े अधिकारी, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? फिर भी भाई साहब, मतलब इन इन तक सरकार अगर अपना पर टैक्स ले तो सुविधा अपना तभी तो देवे है। क्या सुविधा मिलती है भाई साहब? अब सुविधा है भाई साहब, मतलब बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधा। बिजली का बिल नहीं देते? देवा और जमेगा। पानी का भी आता तो हरियाणा में है, हरियाणा में तो 5 गुना बढ़ा दिया, ये टैक्स नहीं है क्या? शिक्षा की बात कर रहे थे? हाँ, शिक्षा सबका अधिकार। कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? सरकारी में, ये कॉन्वेंट में पढ़े। तो उसमें सरकार का क्या है? इलाज, इलाज। आखिरी बार सरकारी हॉस्पिटल में कब गए थे इलाज करवाने के लिए? सरकारी में कौन जाएगा, उसमें ना मशीन है ना कोई बड़ी व्यवस्था है। पापा तो प्राइवेट में करवाएगा इलाज। तो इलाज प्राइवेट में करवाते हो, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, अगर बस में बैठो तो उसके लिए अलग से किराया देते हो, ट्रेन में बैठो तो अलग से किराया देते हो, बिजली पानी हर चीज के लिए बिल भरते हो, हर चीज के लिए जुर्माना भरते हो, हर चीज के लिए फीस देते हो, तो सरकार को टैक्स क्यों देते हो? ताकि प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का अपने लिए पर्सनल विमान खरीद सके? ये नेताओं के सैलरी, भत्ते, ठाट बाट, कोठी बंगले, इनका खर्चा चल सके? बड़े बड़े उद्योगपतियों का 11,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो सके? ये सेंट्रल विस्टा बन सके 1,000,000 करोड़ की लागत से? तुम्हें क्या मिलता भाई साहब?